कामयाब कौन है, किसको कामयाब कहा जाए, जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक कौन है। नंबर एक, जो ईमान वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, जिसने कलमा पढ़ा है वो कामयाब है, और जो अमल करने वाला है वो कामयाब है। आजकल कामयाबी का मेयार क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। लोग कहते हैं वेल सेट हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, नाम हो जाए, तो बोलते कामयाब। ये दुनियावी एतबार से कामयाब है, लेकिन आखिरत के एतबार से, मरने के एतबार से कामयाब कौन है, कौन फ़ायदे में है? आइए देखें, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, और कल क़ियामत के दिन तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान। तो नाज़रीन गौर कीजिए, कुरान के एतबार से, हदीस के एतबार से कामयाब कौन है? कामयाब वो है जो जहन्नम से बचा लिया जाए, कामयाब वो है जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। दुनियावी एतबार से कामयाब लोग समझते हैं उनका नाम हो जाए, उनका मकान हो जाए, उनकी दुकान हो जाए। आइए गौर करें, जब दुनिया से जाएंगे तो क्या होगा? मरहूम, फलाने भाई अब मरहूम हो गए। जब दुनिया से जाएंगे तो क्या होगा? ये कपड़े निकाल लिए जाएंगे, कफन नसीब होगा। दुनिया से जाएंगे तो क्या होगा? बेहतरीन बंगला था, बंगला काम नहीं आया, वही दो गज ज़मीन नसीब हुई है जिसे हम और आप कब्र कहते हैं। मेरे भाइयों, वही मंजिल है। नाज़रीन इकराम गौर करें, कामयाब वो है जो ईमान वाला है। अल्लाह हम सबको ईमान पर साबित कदम रखे, हमारा खात्मा ईमान पर करे, आमीन। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें